आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है और आप कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाना चाहती हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आप ट्राई कर सकती हैं, और डेज़र्ट के तौर पर आप अपने फ्रेंड को, फैमिली वालों को और अगर गेस्ट आए हैं तो उन्हें भी बना करके आप खिला सकती हैं। जब मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया था तो बहुत ही ज़्यादा मेरे बच्चों ने पसंद किया था, तो आई एम श्योर फ्रेंड्स आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इस रेसिपी को पसंद करेंगे। तो ज़रूर से ट्राई करिए इस रेसिपी को, और अगर आपकी रेसिपी अच्छी बनती है और आपके घर में सब पसंद करते हैं तो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए आज की रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हैप्पी हैप्पी बिस्किट। ये बिस्किट आपको हर शॉप में अवेलेबल होगा, तो मैंने यहाँ पर 5 बिस्किट के पैकेट से बनाया है इस रेसिपी को। तो मैंने इसे टुकड़ों में कट करके इसे ग्राइंड कर लिया है मिक्सर जार में। बिल्कुल ही पाउडर बनाना है हमें इसे। मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है एक बाउल में। इसमें अब हम डालेंगे मेल्टेड बटर। मेल्टेड बटर मैंने यहाँ पे लिया है 4 टेबल स्पून। तो मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर का यूज़ किया, अगर आपके पास अनसॉल्टेड है तो आप उसका ही यूज़ करें, मेरे पास नहीं था तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर का ही यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बेकिंग ट्रे में इसे शिफ्ट कर दिया है। ग्लास के बेकिंग ट्रे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आप किसी भी बेकिंग टिन का या फिर किसी भी आप घर में यूज़ करने वाले बर्तन का यूज़ कर सकती हैं। अब इसे हम दबा देंगे अच्छे से ग्लास की हेल्प से, बहुत ही अच्छे से प्रेस करना होगा आपको। तो अच्छे से आप इसे बराबर कर दीजिए। तो देखिए बिल्कुल ही अच्छे से मैंने इसे बराबर कर दिया है, प्रेस कर दिया है। अब इसे हम अब सेट करने के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में। मैंने एक ले लिया है यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन, इसमें डाला है मैंने 125 ml मिल्क, उसका आधा हम डाल देंगे कोको पाउडर। अभी हमें फ्लेम को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, पहले इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना होगा बिना फ्लेम को ऑन किए हुए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 80 ग्राम कोको पाउडर, मैंने यहाँ पर डार्क कोको पाउडर का यूज़ किया है। अगर आपके घर में लाइट कोको पाउडर है तो आप इसका भी यूज़ कर सकती हैं। तो अब हमें यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है अच्छे से मिक्स करने के बाद, और कोको पाउडर का आधा हमने यहाँ पे लिया है शक्कर यानी कि शुगर। तो यहाँ पे 40 ग्राम के अराउंड मैंने यहाँ पे शक्कर लिया था जिसे मैंने मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया था। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे कॉर्न फ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च, हमने लिया है 2 टेबल स्पून। अब इसे हमें मिक्स करना होगा दूध के साथ, तो इसे मिक्स करने के लिए यहाँ पर ठंडा दूध का हमने यूज़ किया है। अच्छे से थोड़ा थोड़ा दूध डालिए और मिक्स कर दीजिए। तो देखिए बिल्कुल ही अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे डार्क कंपाउंड। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है घर में तो आप इसे स्किप कर दीजिए, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है ज़्यादा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, इसकी जगह आप डेरी मिल्क का भी यूज़ कर सकती हैं अगर घर में आपके पास है तो। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर जिसे हमने मिक्स करके रखा था दूध के साथ। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद गैस को आप मीडियम कर दीजिए और कंटिन्यूसली चलाते रहिए, वरना ये थीक हो जाएगी और लम्स भी आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत ही जल्दी जल्दी हाथों को चलाना होगा और अच्छे से मिक्स भी करते रहिए बीचों बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना जल्दी थिक होने लग गया है। इसे बनाने में सिर्फ हमें 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा, इसे बनाने में आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो हमें सेम इस तरह की ही कंसिस्टेंसी चाहिए यहाँ पर। इसे अब हम उतार देंगे, गैस को ऑफ़ कर देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे हमें गैस को ऑफ़ करके। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के लिए और ठंडा करना होगा इसे, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म को हमें पोर नहीं करना है बिस्किट के ऊपर। तो हल्का ठंडा होते ही मैंने इसे डाल दिया है जो मैंने यहाँ पे फ्रिज में स्टोर किया था, और इसे डालने के बाद बिल्कुल ही अच्छे से बराबर कर देंगे स्पैचुला की हेल्प से। पूरे कॉर्नर कॉर्नर तक आप अच्छे से इसे बराबर कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए चारों तरफ से। इसे स्प्रेड करने के बाद वापस से हमें डालना होगा फ्रिज में। तो अब इसका हम सबसे टॉप लेयर बनाएंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया व्हिप्ड क्रीम। 1 कप लिया है मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम, चिल्ड व्हिप क्रीम का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और इसे थोड़ा सा हमें बीट कर लेना है बीटर से। आप यहाँ पे हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है। इसमें मैंने शक्कर या फिर कंडेंस मिल्क किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी मीठी होती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। अच्छे से हमें फेंट लेना है, इस व्हिप्ड क्रीम को ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना है फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल ही आपको इस तरह का ही बीट करना है। तो ये व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है, फिट चुकी है अच्छे से। तो हमने जो ये मिक्सर डाला था फ्रिज में, इसको हमने निकाल दिया है और सबसे ऊपर से डाल दिया है व्हिप्ड क्रीम। फिटी हुई व्हिप्ड क्रीम को हमने सबसे टॉप पे डाला है, अच्छे से बिल्कुल इस स्पैचुला की हेल्प से बराबर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों लेयर मैंने अच्छे से लगा दिया है। तो
तो अब इसे हम स्टोर करेंगे फ्रीजर के अंदर। इसके ऊपर से थोड़ा सा हमें कोको पाउडर को डस्ट कर देना है, इससे बहुत ही अच्छा लगेगा और टेस्ट भी इसका दोगुना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा डस्टिंग कर दिया इसके ऊपर से, और थोड़ी सी बिस्किट भी इसके ऊपर से लगा दिया था अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था मैंने उसी बिस्किट से। और इसे मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए फ्रीजर के अंदर। तो इसे हम अब हम कट करके देखेंगे फ्रेंड्स, ये अच्छे से सेट हुई कि नहीं हुई। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकती हैं फ्रिज के अंदर, उससे बहुत ही अच्छा सा सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसे कट करके दिखाया, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। मैंने सिर्फ इसे 15 से 20 मिनट के लिए ही रखा था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट रखिए, फिर आप इसे सर्व करिए चिल्ड चिल्ड। फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर एक और अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।